वेलकम गाइस। गाइस आज वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि आज हमारे पास है येलो कलर का स्टेशनरी कलेक्शन और आज हम देखेंगे येलो कलर के स्टेशनरी आइटम। और हमने बहुत सारे दोस्तों पहले कलर देखे, पिंक कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, लेकिन येलो कलर हम फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार आइटम है। तो उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ जो आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वीडियो को आप स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं तो वो आइटम आप नहीं देख पाते। तो चले आप जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास येलो कलर की स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पेन। और दोस्तों पेन किस तरह का है, जो बिल्कुल बंदूक की शेप में बना हुआ है। और एक तो दोस्तों ये लिखता किस तरीके से अभी हम ये भी इसके अंदर देखेंगे। तो दोस्तों इसकी नाली को आगे से हम इसको खींचना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से पेन निकल आया है और इस पेन के आगे देखें सेफ्टी टिप लगी हुई है। और इस सेफ्टी टिप को जब मैं हटा दूंगा तो देखें इससे लिख कर भी चेक कर लेते हैं। अरे वाह दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी सी राइटिंग कर रहा है। चले मैं इसकी सेफ्टी टिप को वापस लगा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों यही नहीं, इसके अंदर अभी और फीचर्स भी बाकी हैं। और हमें इसके अंदर यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, देखें इसका बटन साइड में ही लगा हुआ होता है। ये देखें कितने अच्छे से लाइट जल रही है। और दोस्तों इसी लाइट को हम टॉर्च के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये इससे अलग भी हो जाती है। और हम इसके अंदर अटैच करना चाहें तो फिर इसको बाद में इससे अटैच भी कर सकते हैं इस तरह से। अरे वाह दोस्तों, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और इसके अंदर एक और फीचर ये मिल जाता है कि इस तरीके से मूव हो जाती है, जिस तरह से असली गन मूव होती है इसी तरह से इसके अंदर भी ये मूव हो जाती है। अरे वाह दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है इसका डिज़ाइन। और उसके बाद हमें इसके नीचे स्टैंड मिल जाता है जिससे हम इसको कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी सजा सकते हैं, किसी अलमारी में सजा सकते हैं, अपने किसी शोकेस में इसको सजा सकते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले आप जल्दी से और चीज़ें भी देख लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास येलो कलर में काफ़ी सारे नए नए आइटम हैं। और करते हैं तो दोस्तों ये देखते हैं येलो वाला हाईलाइटर, और ये हाईलाइटर किस तरह का होता है तो इससे भी लिख कर चेक कर लेते हैं। इसमें हमें कट निप मिल जाती है, ये देखें कट निप के अंदर ही हमें हाईलाइटर मिल जाता है और इससे लिख कर भी देख लेते हैं। अरे वाह दोस्तों, काफ़ी अच्छा सा लिख रहा है, लेकिन ये हाथ पे लिखने की वजह से इतना वाजे नहीं हो रहा। जब हम इसको पेपर पे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा हाईलाइट करेगा ये। सो दोस्तों आज देखें येलो कलर की स्टेशनरी में हमारे साथ शामिल है ये वाली इरेजर। और ये इरेजर बिल्कुल इमोजी की शेप में बनी हुई है जिसके अंदर अलग अलग चार इमोजीज मिल जाते हैं और ये चार का पैक हमें इरेजर का मिलता है। चलें इनको भी साइड पे रख देते हैं और देखते हैं आज येलो कलर की स्टेशनरी में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वाले देखते हैं स्लाइम, और ये येलो कलर में होने की वजह से आज हमारी येलो स्टेशनरी में शामिल है। और ये स्लाइम किस तरह से है तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और दोस्तों इससे हम काफ़ी अच्छे अच्छे गेम खेल सकते हैं और इससे हमारे हाथ गंदे भी नहीं होते। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही है ये, और इससे हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते। चलें इसको वापस रख देते हैं। हम वापस इसको बॉक्स में रखते हैं तो देखें दोबारा से बिल्कुल उसी शेप में आ गई। दोस्तों इससे काफ़ी अच्छे अच्छे गेम बनते हैं। और देखते हैं आज येलो कलर की स्टेशनरी में और क्या क्या है। तो दोस्तों ये देखते हैं ये वाली टॉर्च, ये येलो कलर में होने की वजह से आज हमारी स्टेशनरी में ये भी शामिल है। तो दोस्तों इसको हमें रखना चाहिए क्योंकि आजकल लोड शेडिंग की वजह से हमें पढ़ाई करने में बहुत मसला होता है। तो हमारे पास टॉर्च होती होगी तो फिर हम आसानी से कोई चीज़ भी पढ़ सकते हैं इससे और कोई चीज़ ढूंढ भी सकते हैं। तो चलें जल्दी से इसको भी रख देते हैं और देखते हैं आज येलो कलर की स्टेशनरी में। तो दोस्तों देखते हैं ये वाली पेंसिल, अरे वाह दोस्तों देखें इसके अंदर डाइज हैं, छोटे छोटे से डाइज डले हुए और जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखें अरे वाह दोस्तों, हिलाने पे हिलते भी हैं। और इसको खोल के भी देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमें मिल जाती है नोकों वाली पेंसिल जिसमें से आगे से नोक को निकाल के और पीछे से जब दोबारा से इंटर करेंगे तो आगे से नई नोक आ जाती है, पीछे से इंटर करेंगे तो आगे से नई नोक आ जाती है। तो दोस्तों इस पेंसिल के साथ हमें शॉर्पनर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमें काफ़ी सारी नेबें मिल जाती हैं। देखते हैं ये वाला बर्गर, और ये बर्गर नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल बर्गर नहीं हो सकता क्योंकि ये है एक लंच बॉक्स। और ये लंच बॉक्स किस तरह का है तो दोस्तों देखें इसके साइड में हमें मिल जाते हैं दो क्लिप। पहले इन दोनों क्लिप को हम ओपन कर लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमें देखें इसके अंदर क्या मिलने वाला है। अरे वाह दोस्तों देखें इसके अंदर दोस्तों हमें काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है अपना लंच वगैरह रखने के लिए। और ये नीचे देखें इसके बाद हमें एक ट्रे मिल जाती है जो कि दूसरी ट्रे जिसमें हम अपनी चटनी वगैरह और भी सलाद वगैरह सैलेड वगैरह को भी रख सकते हैं। और दोस्तों उसके नीचे देखें काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट मिल रहा है जिसके अंदर ये स्पून भी इसके साथ ही मिल रहा है हमको। तो दोस्तों इस तरह से इसके अंदर हमें तीन पार्टीशन मिल जाते हैं। और दोस्तों येलो कलर में होने की वजह से आज ये हमारे येलो कलर की स्टेशनरी में शामिल है। चलिए इसको भी रख देते हैं और देखते हैं दोस्तों आज और क्या क्या है येलो कलर की स्टेशनरी में। तो देखते हैं ये वाली किले, और ये दोस्तों ये किले होती है ये भी येलो कलर में होती है। चलिए इसकी पैकिंग को मैं खोल लेता हूँ।
इसकी पैकिंग को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें टॉय भी मिलते हैं, और कौन सा टॉय होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, बिल्कुल ये इसके अंदर फिश की शेप में हमको ये टॉय मिल जाता है, और ये पीछे से खाली होता है, यानी इसके अंदर हम भर के इस किले को जो है, इसको किले भी कहते हैं, मड भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम भर के जो है खिलौना बना सकते हैं। तो दोस्तों देखें, इसमें इस तरीके से हमें सांचे बने हुए मिल जाते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे हमें कलर मिल जाते हैं किले के, तो जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि पूरे 12 कलर मिल जाते हैं इसमें। और साथ में इसके हमें दो टॉय मिलते हैं जो कि सांचे होते हैं इसके। तो दोस्तों ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों इसको भी साइड पर रख देते हैं, और देखते हैं आज हमारे पास येलो कलर की स्टेशनरी में और क्या क्या है। तो दोस्तों ये मिल जाती हैं येलो कलर में स्टैम्प्स, और इसके ऊपर देखें काफ़ी अच्छे अच्छे करेक्टर होते हैं। तो दोस्तों जो करेक्टर ऊपर बना हुआ होता है वही करेक्टर इसके अंदर होता है। चलो इसको लगा के भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखें बारबी वाला करेक्टर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब दोस्तों मेरे हाथ के ऊपर क्योंकि मैंने प्रिंट करा है तो इतना वाजे नहीं हो रहा, वैसे ये जब हम कागज़ के ऊपर प्रिंट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वाजे होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, और येलो कलर में होने की वजह से येलो स्टेशनरी में शामिल है। तो चलो इसको भी रख देते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये वो छोटा वाला स्टेपलर, और इसके अंदर हमें छोटी छोटी पिनें मिल जाती है, इसके साथ एक छोटा सा स्टेपलर मिल जाता है। तो दोस्तों चले मैं जल्दी से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कितना छोटा सा स्टेपलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसके अंदर पिनें भी लग सकती हैं। ये देखें तो हम पिनें लगा के इसके बाद इसको बंद कर देंगे तो फिर कोई भी चीज़ स्टेपल की जा सकती है, और इसके साथ पिनें इसी पैक के अंदर हमें मिल रही होती हैं। तो चले इसको भी साइड पर रख देते हैं और देखते हैं आज येलो कलर की स्टेशनरी में। तो दोस्तों देखते हैं ये वाला शॉर्पनर, और दोस्तों ये शॉर्पनर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये डस्टबिन वाला शॉर्पनर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर पेंसिल को हम यहाँ से शार्प करेंगे उसका जो डस्ट होता है वो इसके अंदर जमा हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए ये डस्टबिन वाला शॉर्पनर कहलाता है, और ये भी बहुत ही एक्साइटिंग है। चलिए इसको रख देते हैं और देखते हैं। दोस्तों देखते हैं नोको वाली पेंसिल हमें पंखे वाली मिल जाती है। दोस्तों इसको फूक मारते हैं तो ये पंखा चलना शुरू हो जाता है इस तरीके से। चलिए फूक मार के दिखाता हूँ आपको, ये देखें मैं फूक मार रहा हूँ तो ये पंखा चल भी रहा है इसका, और इसके अंदर भी हमें नोके मिल जाती हैं, और इसके साथ भी हमें किसी शॉर्पनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आगे से नोक निकाल के जब पीछे से इंटर करते हैं तो आगे से नई नोक हमें मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके साथ हमें शॉर्पनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो चलिए इसको भी साइड पर रखते हैं दोस्तों और देखते हैं आज येलो कलर की स्टेशनरी में और क्या क्या है। तो देखते हैं दोस्तों ये हमें मिल जाता है येलो कलर का स्केल, जिसके ऊपर एंग्री बर्ड बनी हुई है, और दोस्तों मल्टी फंक्शन स्केल होता है क्योंकि इसके अंदर हमें गोलियों वाला गेम भी मिल जाता है। इसके अंदर गोलियों वाला गेम मिल जाता है, और इसके साथ ये लीवर मिलता है, इसको खींच के पीछे से जब आगे की तरफ करते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है और अपने पॉइंट के ऊपर जाके फिक्स हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो चलें इसको भी रख देते हैं दोस्तों और देखते हैं आज हमारे पास येलो कलर की स्टेशनरी में और क्या क्या है। तो दोस्तों देखते हैं ये वाले कलर, और दोस्तों इस पैक के अंदर हमें मिल जाते हैं 12 कलर, यानी 12 कलर का पैक मिल जाता है। और किस तरह के कलर होते हैं तो दोस्तों देखें इसके अंदर हमें लाइट एंड डार्क दोनों कलर मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी दोस्तों बात मुझे ये लगी इसके अंदर की, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स होने की वजह से सेफ रहते हैं कलर, और हमारे कहीं घूमते नहीं हैं, यानी खोते नहीं हैं। कहीं भी हम ट्यूशन वगैरह में जाएं या क्लासरूम के अंदर हमारे कलर आगे पीछे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर रहने की वजह से काफ़ी सेफ रहते हैं। और इस पैक के अंदर हमें पूरे 12 कलर मिल जाते हैं। चलो इसको भी रख देते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे पास स्टेशनरी में और क्या क्या है। तो देखते हैं ये वाला येलो वाला बॉक्स, और दोस्तों ये बॉक्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्कुल ऊपर से इसका जो कैप था वो ट्रांसपेरेंट था, यानी हम जो भी अंदर स्टेशनरी रखेंगे तो हमें साफ़ सुथरी नज़र आती रहेगी। और ये क्लिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके क्लिप को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो इसका कैप ओपन हो जाता है। और दोस्तों ऊपर की तरफ ये ट्रे मिल जाती है, और नीचे की तरफ देखें काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टीशन भी बने हुए हैं, एक में इरेजर, एक में शॉर्पनर, और बीच में कोई छोटी चीज़ है, और इस तरफ पेंसिल वगैरह को रखा जा सकता है। और काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये, और येलो कलर में होने की वजह से आज हमारी स्टेशनरी में शामिल है। तो अब देखते हैं ये वाला पेन, और दोस्तों मोर के पंखों वाला पेन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसके ऊपर देखें येलो कलर की कितनी प्यारी सी चमक लगी हुई है, और इसके नीचे हमें मिल जाता है एक कैप, इस कैप को हटा के हम इससे लिख कर देख लेते हैं। और वाह दोस्तों काफ़ी अच्छे से राइटिंग कर रहा है ये, तो दोस्तों बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल ये रियल मोर के पंख लगे हुए इसमें। और दोस्तों आखिर में देखते हैं ये वाली बॉटल, और ये बॉटल के ऊपर हमें मिल जाता है स्पाइडरमैन बना हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये येलो कलर में होने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और दोस्तों सामने जो स्टार होता है ये बटन होता है, जब इस बटन को दबाते हैं तो कैप खुल जाता है, और कैप के बाद हमें मिल जाती है इसमें इस तरीके से स्ट्रॉ पानी पीने के लिए।
पानी भरना होता है उसको पूरे ढक्कन को खोल लेंगे और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों उसका पाइप मिल जाता है और साथ में इसकी बेल्ट मिल जाती है जो कि साइड में यहाँ पे क्लिप लगे होते हैं, इनमें फिक्स हो जाती है, इससे हम इसको हैंग कर सकें। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, तो पाइप को जो है हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये देखें इस तरह ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे, तो उसके बाद हम पाइप के ज़रिए से यानी स्ट्रॉ के ज़रिए से पानी को पी सकेंगे। और अंदर से देखें कितना ज़बरदस्त है, यानी इसके अंदर अगर हम गर्म चीज़ यानी चाय वगैरह को रखना चाहें तो चाय भी रख सकते हैं और पानी वगैरह को भी रखना चाहें तो पानी को भी रख सकते हैं और वो ठंडा भी रहेगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको आज येलो कलर का स्टेशनरी कलेक्शन, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टेशनरी के आइटम के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।